नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के साथ साथ फेरे ले लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों की शादी की फोटो शेयर की है। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जारी T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से पहले बुमराह ने टीम से अपना नाम वापस ले लिया था। बुमराह ने शादी की तैयारियों के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया था। संजना की बात करें तो वो एक स्पोर्ट्स एंकर हैं और स्टार स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज हमेशा हमेशा के लिए स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के हो गए हैं। बेहद करीबी मेहमानों के बीच दोनों ने शादी रचाई। कई रस्में रविवार को ही पूरी हो गई थी। भारतीय स्पीड स्टार ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की है। संजना और बुमराह ने कुछ समय डेट करने के बाद शादी का फैसला लिया। बुमराह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। जसप्रीत बुमराह का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उन्हें बधाइयाँ भी दे रहे हैं। बता दें, संजना पेशे से मॉडल और स्पोर्ट्स एंकर हैं, जिन्होंने क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के कई इवेंट्स को होस्ट किया है। उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत की तरफ से शो को होस्ट किया था। संजना गणेशन का जन्म 6 मई 1991 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था और वो इस समय 28 साल की हैं। वो कोलकाता नाइट राइडर के शो नाइट क्लब को भी होस्ट कर चुकी हैं। बता दें, संजना IPL ऑक्शन को भी होस्ट कर चुकी हैं, साथ ही वो इंडियन सुपर लीग और बैडमिंटन सुपर लीग जैसे इवेंट्स को भी होस्ट कर चुकी हैं। संजना को फिटनेस काफ़ी पसंद है और वो अपनी फिटनेस का खूब ख्याल रखती हैं और उनके फेवरेट क्रिकेटर धोनी हैं। संजना पुणे की मशहूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुकी हैं और इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया। साथ ही साल 2014 में वो मिस इंडिया के फाइनल तक पहुंची थीं। आपको बता दें कि 27 साल की जसप्रीत बुमराह इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य हिस्सा हैं और उन्होंने अब तक भारत के लिए 19 टेस्ट, 67 वनडे और 50 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।